ट्रांसमिशन सर्किट, जो भी हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट होती है तो उसको हम एक पर्टिकुलर मीडियम से ट्रांसमिट करते हैं, और वही हमारा ट्रांसमिशन सर्किट होता है। जैसे कि अगर हम इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखें कम्युनिकेशन का, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक ट्रांसमिशन पाथ सर्किट होता है। ट्रांसमिशन पाथ सर्किट जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ता है, वो पाथ जिसके थ्रू सिग्नल जा रहा है वो होगा ट्रांसमिशन सर्किट। जब भी हमारी आउटपुट जो होती है ट्रांसमीटर की, वो क्या बनती है, उसे रिसीवर की इनपुट पे जाना पड़ता है, ठीक है ना, एक ट्रांसमिशन पाथ के थ्रू। एक ट्रांसमिशन पाथ जिसके थ्रू ट्रांसमीटर की आउटपुट रिसीवर की इनपुट बनती है, तो जो एनर्जी होती है ट्रांसमीटर की वो ट्रांसमिट की जाती है। ये जो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं स्पेस में, ईएम वेव्स, जो वेव्स ट्रेवल करेंगी स्पेस में, और रिसीवर साइड पे क्या होगा, वो रिसीव होंगी। तो ये जो स्पेस है हमारा एक ट्रांसमिशन पाथ है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर से स्पेस के थ्रू सिग्नल जा रहा है और वो सिग्नल रिसीवर साइड पे रिसीव होगा। तो ये स्पेस के से वायरलेस है और स्पेस से सिग्नल जा रहा है। लेकिन इसमें दो केसेस आते हैं। पहले केस में क्या होता है कि जो हमारी रेडियो वेव ट्रांसमिशन होती है उसमें, फर्स्ट अगर देखें, फर्स्ट केस में जो हमारी ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिशन सर्किट जो होगा वो कोई पर्टिकुलर सर्किट नहीं होगा। हाँ जी, ट्रांसमिशन सर्किट कोई पर्टिकुलर सर्किट नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, और कहाँ से, स्पेस में से, ठीक है ना। तो उसमें कोई सर्किट नहीं है, वो स्पेस से ट्रेवल कर रही है। ईएम वेव जो रेडिएट कर रही है एक फ्री स्पेस में विद वेलोसिटी ऑफ लाइट से। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। और ईएम वेव्स जो रेडिएट कर रही हैं, जो रेडिएशंस आ रही हैं, उसकी जो वेवलेंथ होगी किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशंस की, वो क्या होगी, वेवलेंथ जिसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, एफ फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है, 3 × 10⁻¹ अपॉन एफ मीटर्स में। तो ये पर्टिकुलर रेडिएशन होगी जो वेवलेंथ होगी। और देखिए कि ये तो हमारा फर्स्ट केस है जिसमें कोई पर्टिकुलर सर्किट नहीं है, एक स्पेस में से वेव ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर हम सेकंड केस लेते हैं, तो ट्रांसमिशन सर्किट जिसमें एक स्पेस नहीं है, एक पर्टिकुलर सर्किट है, सर्किट में क्या हो सकता है, एक ओपन वायर ट्रांसमिशन हो सकती है, ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइंस हो सकती हैं, लैंड्स हो सकते हैं, सी केबल्स हो सकते हैं, यानी पर्टिकुलर मीडियम से, पर्टिकुलर सर्किट से वेव्स को ट्रांसमिट करना। जो लेंथ होती है ट्रांसमिशन लाइंस की और केबल्स की, जो ट्रांसमिट करवाती है केबल्स, उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस से कुछ 100 किलोमीटर्स तक की होती है। और इसमें क्या होता है कि रिपीटर्स लगाए जाते हैं, एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स लगाए जाते हैं, ये इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं लाइंस में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं वो जो एम्पलीफाई करते हैं रिपीटर्स, ये डिपेंड होते हैं कि कितना एटेन्यूशन हो रहा है लाइंस में, कितना एटेन्यूशन हो रहा है हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में, और किस टाइप का सिग्नल है और कहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है। ऐसे ही हमारी वेवगाइड में भी ट्रांसमिशन हो सकती है। वेवगाइड ट्रांसमिशन लाइन एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन के पे होती है, जो ये एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है और रेक्टेंगुलर होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसमें ट्रैवल करती है, वेव गाइड में ईएम वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो दो केसेस में हम इसमें बात करते हैं, और यही हमारे ट्रांसमिशन सर्किट्स होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांसमिशन होती हैं, अलग अलग ट्रांसमिशन सर्किट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसका पाथ भी अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रांसमिशन सर्किट्स होते हैं, उसमें नॉइसेस भी आती हैं, कुछ डिले आते हैं, कुछ लॉसेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। नॉइस और कुछ भी
अलग सिग्नल्स जो प्रेजेंट होते हैं आउटपुट पे, तो ये हमारा ट्रांसमिशन सर्किट्स को शो करता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।